मम्मी खाना बनावे। मम्मी कहाँ? पहले पूछते हैं लक्की बिस्कुट से, इतने दिन से कहाँ था? कहाँ था इतने दिन से, स्कूल नहीं आया? नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैंने सामने के खेत से मंगाए हैं लाल साग। देखिए खेतों में ही एकदम पास में ही है, तो वही मैंने अभी मंगाया है और उसी को अभी बना रही हूँ। उसके बाद धो के आज ये साग बनेगा, साग चावल और आलू सीम की सब्जी। सीम हमारे यहाँ गाँव में होता है तो बहुत सारा आ गया है, तो उसकी सब्जी बनाऊँगी आलू डाल के और ये साग। और आज का दिन है शनिवार, तो आज मुझे स्कूल भी जाना है और उसके साथ ही मुझे और भी कहीं कहीं जाना है। कहाँ जाना है ये भी बताऊंगी दोस्तों। फिलहाल आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को कर दीजिए लाइक अभी से ही, क्योंकि बाद में तो आप लोग पक्का भूल जाते हैं। मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार आके विजिट कर रहे हैं, मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो वीडियो देख रहे हैं तो लाइक तो करिएगा ही, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए साग को छौका लगा दिया है, उसके बाद नहा उहा ली हूँ, चावल भी बना लिया, सब्जी भी बना ली, अभी जा रही हूँ खाना खाने। खाना खाने के बाद तैयार होंगी, उसके बाद चलूँगी स्कूल के लिए। और शनिवार है तो आज हाफ टाइम ही होगा दोस्तों, उसके बाद मैं निकल जाऊँगी हॉस्पिटल जाने के लिए। मुझे जाना है किसी से मिलने हॉस्पिटल में, तो आप लोग को भी ले चलूँगी अपने साथ, मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। तो देखिए हमारा चावल गर्मा गर्म निकल गया और सुबह सुबह मैंने चावल ही बनाया है, क्योंकि ज़्यादातर तो मैं रोटियां बनाती हूँ ना, तो आज सोचा कि चावल बना लूँ, क्योंकि साग दिख रहा था और साग में जो है चावल ज़्यादा अच्छा लगता है रोटी से ज़्यादा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज सुबह में चावल ही बनाया जाए। और आज सैटरडे है इसीलिए मैं हॉस्पिटल जाने की सोच रही हूँ, क्योंकि कल संडे है, तो संडे को घर में रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है, घर की साफ़ सफाई, कपड़े बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये रहा मेरा खाना और मैं खा के आपसे मिलती हूँ। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं कहीं जा रही हूँ, फिलहाल तो अभी मैं स्कूल के लिए निकल रही हूँ और स्कूल से मुझे जाना है हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल क्यों जाना है दोस्तों, ये आप सबको थंबनेल से और टाइटल से पता चल ही गया होगा। हमारे यहाँ आया है एक नन्हा मेहमान, उसी को देखने के लिए मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। कौन आया है, किसका बच्चा आया है, ये सब आपको वीडियो देखने के बाद पता चलेगा, तो पूरी वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। फिलहाल अभी मैं स्कूल के लिए जा रही हूँ और स्कूल से ही उधर से ही निकल जाऊँगी हॉस्पिटल के लिए। तो आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को करती हूँ पहले पूछते हैं लक्की बिस्कुट से, इतने दिन से कहाँ था? कहाँ था इतने दिन से, स्कूल नहीं आया? कहाँ गया था? घर। घर है कहाँ दादी? घर यहाँ नानी घर है। बाप रे, एक महीना के बाद आया है ना। तुम्हारा नाम बताओ, तुम अपना नाम बताओ। अभी कौन भाषा बोलता है? इसका भाषा अलग है, जाबे या खाबे करके बोलता है। तुम्हारा नाम सत्यम अभिनीत है? सत्यम अभिनीत, तुमको अपना नाम नहीं पता? मम्मी कौची कहती है, क्या करके बुलाती है मम्मी? ए बी सी।
बुलाती है हटे ना रही बाबू मम्मी खाना बनावे मम्मी का बनावे नाम बताओ अपना मैं नाम तो बताता नहीं है नाम है नीति सिंह इसको अपने नाम ही नहीं पता कहते मम्मी हम बउआ बुलावे मम्मी हम बउआ सबके मम्मी बउए बुलाती है ना सबके मम्मी तो बउए बुलाते है ना रे सुनिए दी तुम्हारी मम्मी क्या करके बुलाती है उसकी मम्मी डुगू कहके बुलाती है। सो दोस्तों देख सकते हैं बच्चों की हो गई छुट्टी आज है सैटरडे इसलिए लंच टाइम से हो गया छुट्टी वहाँ से निकल के मैं आई हूँ एक होटल में थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि जाऊँगी तो देर तो होगा ही भूख लग जाएगी इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा खा पी लेते हैं और उसके बाद निकलते हैं तो मैंने यहाँ से ऑटो कर लिया है दोस्तों और अब पहुँच गई हूँ मैं हॉस्पिटल आप देख सकते हैं हमारा बाबू यहाँ पे खेल रहा है और इसका जन्म जो है 6 तारीख को ही हुआ था रात को 10 बजे लेकिन होली का टाइम था इसलिए मैं आ नहीं पाई इसलिए आज आई हूँ बाबू को देखने के लिए ऑपरेशन से हुआ है इसलिए अभी 8 दिन हॉस्पिटल में इसको रहना है जब मैं आज आई हूँ तो 5वां दिन है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेबी लेटी हुई है हमारी जेठानी की बेटी है बेबी उन्हीं को ये बाबू हुआ है तो अभी लेटी हुई हैं ऑपरेशन हुआ है तो थोड़ा तो तकलीफ़ होती ही है ऑपरेशन में और उनके साथ उनकी जेठानी थी हॉस्पिटल में तो वहाँ से मिलने के बाद मैं निकल गई हूँ और आ गई हूँ घर नहा धो लिया है बाबू बहुत अच्छा था जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ थे बस 2 दिन के बाद उनका जो है डिस्चार्ज होगा तो घर आएंगी तो यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ दोस्तों और कुकर में मैंने खिचड़ी भी चढ़ा दी है क्योंकि कहीं यहाँ से आते हैं तो ज़्यादातर खाना बनाने का मन नहीं करता खिचड़ी जो है सब कुछ दाल चावल धो के मैंने डाल दिया है फटाक से बन जाएगा और अभी यहाँ पे मैं बैठ के आप लोगों से बातें ही कर रही थी लेकिन पता नहीं क्यों आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई तभी नहा वहा लिया है चाय भी पी लिया मैंने और खिचड़ी चढ़ा रखी है तो मैं आप लोगों से कह रही थी कि हमारा जो बाबू है बहुत ही अच्छा है वैसे मैं फिर से नानी बन गई और ऑपरेशन से बच्चा हुआ है तो थोड़ा तो तकलीफ़ होगा ही तो अभी वो वहाँ पे रहेंगी 2 दिन के बाद उनका डिस्चार्ज जो है वो होगा फिर पता नहीं यहाँ आती हैं हमारे घर या फिर अपने ससुराल ये तो आने के बाद ही पता चलेगा अगर यहाँ आएगी उनकी छठी होगी तो वो ब्लॉग भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा बाबू को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और हमारे स्कूल के बच्चों को भी अपना प्यार ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा मिलते हैं कल के वीडियो में धन्यवाद दोस्तों।